नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टैलेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सदा मुस्कुराते रहो। मैं और आप दिन में कितनी बार मुस्कुराते? शायद बहुत कम, और थोड़ा बहुत अगर मुस्कुरा भी लेते हैं तो किसी का दिल रखने के लिए, क्योंकि हम सब कामकाजी हो गए हैं। बिना मतलब के हम किसी के सामने देखते तक नहीं, फिर याद करना तो बहुत दूर की बात है। आज हम बेमतलब की बातें तो याद रखते हैं पर मुस्कुराना भूल जाते हैं। कहते हैं कभी कभी आदमी को आईने के सामने देखकर मुस्कुरा लेना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। आपने बागों में फूलों को तो खिलते देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। छोटे मासूम बच्चों की मुस्कान देखिए, आपको अपना बचपन याद आने लगता है। खैर, कहने का मतलब इतना ही है, कभी कभी बेमतलब भी मुस्कुरा लेना चाहिए। क्या लूट जाएगा? एक सामने से हल्की सी मुस्कान ही तो मिलेगी। यही बात आज के इस वीडियो में कही गई है। आइए सुनते हैं, देखते हैं। धन्यवाद। इंसान का चेहरा उसके दिल का आईना होता है। जो दिल में है वो चेहरे पर नुमाया हुए बगैर नहीं रह पाता, और अगर उस चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो कहने की क्या बात है। किसी ने खूब कहा है कि मुस्कुराहट चेहरे का नूर है। कभी कभी इंसान का दर्द भी मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर आ जाता है, तो कभी यही मुस्कुराहट किसी की खुशी की वजह बन जाती है। एक बच्चे की मुस्कुराहट हमारी सारी चिंताओं को कुछ पलों के लिए दूर कर देती है, और एक आशिक के लिए उसके महबूब की मुस्कान क्या होती है, इसका एहसास तो सिर्फ उन दोनों को ही हो सकता है। वहां सलाम को आती है नंगे पांव बाहर, वहां सलाम को आती है नंगे पांव बाहर, खिले थे फूल जहां तेरे मुस्कुराने से। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर ही होगा। अक्सर मुस्कान के मायने ये निकाले जाते हैं कि सामने वाला खुश दिल है, आपकी बात उसे अच्छी लगी, या वो मौजूदा मंजर में अच्छा महसूस करता है। पर हकीकत यह है कि अक्सर तबस्सुम एक पर्दा होती है। कभी दर्द, कभी गुस्से और खीज, या कभी बेचैनी को छुपाने के लिए 17वीं सदी तक यूरोप में खिलखिलाकर हंसना तहजीब के खिलाफ माना जाता था। रूसी भाषा में तो एक मुहावरा भी है कि बेवजह मुस्कुराना बेवकूफ़ी की अलामत है। करीब एक सदी बाद फ्रांस में एक कॉफ़ी हाउस खुला
यहाँ खिलखिलाकर हंसने और अपने जज्बात का खोलकर इजहार करने की आज़ादी थी। तहजीब या सलीके के मैदान में आया ये इनकलाबी बदलाव था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान को अंग्रेजी में डैम्पेड स्माइल कहा जाता है। यह ऐसी मुस्कान होती है कि जिसमें हम अपनी हंसी को अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश करते हैं। गाल थोड़े से उठ जाते हैं लेकिन होठ सख्ती से बंद होते हैं, जैसे हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं हंसेंगे। जापान में तो आंखों से मुस्कुराने को कहा जाता है, लिहाजा कहा जा सकता है कि मुस्कुराने की ख्वाहिश सारी दुनिया में एक जैसी है, लेकिन अलग अलग संस्कृति में इसे अलग अलग पैमाने पर रखा गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि मुस्कान संवाद का एक जरिया भी है। हर एक मुस्कान को पढ़ना आसान नहीं, लेकिन झूठी मुस्कान को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। कहते हैं कि जब हम दिल से मुस्कुराते हैं तो हमारी आंखें भी मुस्कुराती हैं, लेकिन जब हम झूठ मूठ का मुस्कुराते हैं तो आंखें हमारा साथ नहीं देती। हम जिन लोगों से हर रोज मिलते हैं उनके चेहरे का आकार और हाव भाव हमारे जहन में एक गहरी छाप छोड़ देते हैं। जब उस चेहरे पर झूठी मुस्कान तारी होती है तो हम उसे भाप लेते हैं। मुस्कान की बात हो और मोनालिसा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लियोनार्डो द विंची के इस मास्टरपीस में ऐसी रहस्यमय मुस्कान है जिसकी व्याख्या हरेक शख्स अपने मुताबिक करता है। जिस तरफ से भी इसे देखो तो लगता है जैसे आपको ही देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन आज तक कोई इस मुस्कान का सही राज नहीं पता लगा सका है। बहरहाल मुस्कान जिंदा दिली की अलामत है, लिहाजा जब भी मुस्कुराहट आए तो उसे रोकिए नहीं, बल्कि दिल खोल कर हंसिए, मुस्कुराइए। हंसना और मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि बचपन में जो मुस्कान एक दिन में लगभग 400 बार हमारे होठों पर खेलती है, हमारे बड़े होते होते वह इतनी घट जाती है कि मुश्किल से बस 15 बार ही हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। कारण स्पष्ट ही है, हमारी परेशानियों भरी जिंदगी जहां किसी भी क्षण कुछ भी ऐसा घट जाता है जो हमारे मुख से ये मुरझाया सा स्वर उभारता है, हाय आज का तो दिन ही खराब है, मेरा मूड ऑफ हो गया है। कुछ घटनाएं हमारे अच्छे खासे हंसते खेलते दिन को बेकार खराब दिन में बदल देती है। हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, घूम घूम कर वही वाकया याद आता रहता है और हम उदास व निरस महसूस करने लगते हैं। इससे निपटा कैसे जाए? सच कहे तो ऐसा करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ऐसा कहकर हम आपको बहला फुसला नहीं रहे, बल्कि आपके संग कुछ बड़े काम के और कमाल के सूत्र साझा करने जा रहे हैं, जिन्हें अपना कर आप चाहे तो बड़ी आसानी से अपने बुरे दिन को वापस हंसता खेलता बना सकते, बल्कि उसे बुरा दिन बनने से ही रोक सकते हैं। सोचिए जरा, बंदर को चंगुल में कैसे फंसाया जाता है? लंबे और पतले मुंह वाली सुराही में एक दो मुट्ठी भुने हुए चने रख दिए जाते हैं, फिर उस सुराही को गर्दन तक मिट्टी में अच्छी तरह दबा दिया जाता है। चने की खुशबू बंदर को सुराही तक आसानी से खींच लाती है। बंदर
सुराही में अपना हाथ डालता है और मुट्ठी में ज़्यादा से ज़्यादा चने भर लेता है। लेकिन जब मुट्ठी बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसकी मुट्ठी अटक जाती है। कारण, सुराही का मुंह बहुत पतला है, उसके अंदर बंदर का खुला हाथ तो जा सकता है पर बंद मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती। अब बंदर चाहे तो अपनी मुट्ठी खोलकर खुद को शिकारी की चंगुल से मुक्त कर सकता है, लेकिन मुट्ठी खोलता नहीं, इसलिए शिकंजे में ही फंसा रह जाता है। हम भी तो यही करते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया या हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो हम उस बात को कस कस कर पकड़े रखते हैं, छोड़ते ही नहीं, और फिर कहते हैं कि हमें परेशानियों ने झगड़ा हुआ है। मदन मोहन मालवीय जी के जीवन की एक प्रेरणादायक घटना आती है। वे बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। जब वे इस विश्वविद्यालय के निर्माण में जुटे थे तब उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर्याप्त धन जुटाने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगाया, कई व्यापारियों से मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस काम नहीं बना। इसी के चलते वह हैदराबाद के निज़ाम के पास पहुँचे और उनसे धन सेवा की अपील की। निज़ाम ने जैसे ही हिंद विश्वविद्यालय नाम सुना तो आग बबूला हो गया। इस कदर भड़क गया कि उसने अपना जूता निकाला और मालवीय जी के ऊपर फेंकते हुए गरजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंद विश्वविद्यालय के लिए निज़ाम से पैसे मांगने आ पहुँचे? पर तब मालवीय जी की प्रतिक्रिया देखिए। खुद पर जूता फेंके जाने के गम में वे उदास मन लेकर वापस नहीं लौटे गए, पर तब मालवीय जी की प्रतिक्रिया देखिए। खुद पर जूता फेंके जाने के गम में वे उदास मन लेकर वापस नहीं लौटे। उन्होंने निज़ाम का जूता उठाया और सीधे बाजार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर निज़ाम के जूते की बोली लगानी शुरू कर दी, क्योंकि जूता निज़ाम का था, इसलिए ग्राहकों का भी तांता लग गया। बोली ऊंची लगने लगी, खबर निज़ाम तक पहुँची, निज़ाम का जूता किसी और के पैर में। ऐसा सोचकर निज़ाम को अपनी तौहीन सी लगी। उसने अपने एक मुलाजिम को निर्देश देकर भेजा कि वह किसी भी दाम पर उसका जूता वापस लेकर आए। और जानते हैं, मालवीय जी को उस जूते से अच्छी खासी रकम मिली जो हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में बेहद मददगार सिद्ध हुई। यानी जिंदगी ने उन्हें तिरस्कार का धक्का तो मारा, लेकिन मालवीय जी ने उस धक्के को भी ईंधन बनाकर अपनी मंजिल तक की रफ्तार बढ़ा दी। अतः हर समस्या का समाधान है, बस आवश्यकता है तो धैर्य, विवेक और साहस से उस समाधान को खोजने व उस पर अमल करने की। वैसे भी तीर आगे तभी जाता है जब कमान उसे पहले पीछे की ओर खींचती है। पिस्तौल से गोली बिजली की गति से निकलकर अपना लक्ष्य तभी भेद पाती है जब ट्रिगर को पहले पीछे की तरफ खींचा जाता है। ठीक ऐसे ही मुश्किलें या अनचाही परिस्थितियां भले ही हमें पीछे खींचती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये हमारे लिए कमान या ट्रिगर की भूमिका निभाती है, जिनकी मदद से हम अपने लक्ष्य तक बिजली की गति से पहुंच सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कुछ अनअपेक्षित घटे तो मन उदास न करें, बल्कि उसमें छिपी मूल्यवान सीख को जाने। आपको यह वीडियो कैसा लगा? बढ़ते चले इसके प्रतिक्रिया अवश्य दें। अपना सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।